दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 26x36 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। इसका साइज है 26x36 फीट। इस मॉडल को पूरा प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, और एक साथ जो फ्रंट एलिवेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ये आप देख भी रहे होंगे। और इसमें एक बारंदा छोटा सा भी है, साथ साथ बेडरूम, और प्रॉपर तरीके से सारा चीज़ें मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ। विथ कलर कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। 26 फीट इसकी चौड़ाई है और 36 फीट इसकी लंबाई है। ये पूरा मॉडल मैंने जो बनाकर रेडी किया है। अब हम बात करते हैं इसके सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर ये देखिए पूरा मॉडल मैंने क्रिएट किया है। यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे होंगे, ये आपके पिलर हैं, उसमें कलर कॉम्बिनेशन दिया है। इसके बाद ये आपका डिजाइनिंग के पर्पज़ से चीज़ें क्रिएट किए हैं। ये पिलर 8 फीट पर है। इसका ये बीम पड़ा हुआ है और इसका जो डिजाइन है फिर से आपका बीम है। यहाँ पिलर की बात करें तो ये पूरा 10 फीट पर पिलर है, इधर भी 10 फीट पर है। ये आपका विंडो है, क्योंकि एक बेडरूम आगे मैंने कोई जगह छोड़ी, बेडरूम तो नहीं है यहाँ पर, भी मैं बताऊँगा क्या है। तो वहाँ पर एक वेंटिलेशन के लिए, एक लोके डिजाइन के लिए विंडो और फ्रेम मैंने दिया है। अब हम बात करते हैं एंट्री के। तो यहाँ पर देखिए स्टेयर से यहाँ से अंदर जाएँ तो ये आपको बारंदे का एरिया दिख रहा है। अब अगर हम बात करें ऊपर से आपको दिखाना चाहें, ये बारंदा टाइप का है। इसका देखिए स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स आपकी यहाँ से अंदर साइड से चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर बाहर साइड को फिर से आ जाती है। ये देखिए आप स्टेयर प्रॉपर तरीके से देख पा रहे होंगे कैसे है, वहाँ से चढ़ना स्टार्ट हुआ। तो बाहर से ही स्टेयर्स दिया है मैंने, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थी वो बाहर से थी। ये मेन डोर है जहाँ से एंट्री करेंगे। ये एक और विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए। अब देखिएगा यहाँ से मेन डोर से जैसे आप एंट्री करते हैं तो ये तो आपकी स्टेयर्स यहाँ निकल गई और बारंदा निकल गया। अब आप पहुँच जाते हैं अंदर। अंदर पहुँचते ही आपको एक बेडरूम मिल जाता है। इस सबसे पहले फ्रंट में विंडो है, डोर है। इसका देखिए आपका किचन एरिया ही फ्रंट में दिया है और यहाँ पर डोर है। इसका ये देखिए आंगन टाइप का आपको मिल जाता है। इसके बाद ये दो पीछे बेडरूम है। अब इस कॉर्नर के बेडरूम की बात करें तो इस बेडरूम में अटैच लेटर्न बाथ यहाँ पर मैंने दिया है। ये एक ओपन लेटर्न बाथ है, लेकिन इस बेडरूम में जाने के लिए आपको इस बेडरूम से होकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसका सेपरेट डोर कहीं से नहीं है। तो पहले आपको इस बेडरूम में प्रवेश करना पड़ेगा, इसके बाद ये करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर इसे ओपन भी छोड़ सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 बेडरूम आपके बन जाते हैं। देखिए इस बेडरूम से एंट्री, इस डोर से एंट्री करेंगे, इस पर पहुँचेंगे, इसके बाद इस वाले डोर से आप इस पर पहुँचेंगे। तो ये आपका प्रॉपर तरीके से बन जाता है। अगर आप इस अटैच लेटरिन बाथ को नहीं बनाना चाहते हैं, घर को थोड़ा वेंटिलेट करना चाहते हैं, हवा वगैरह पास हो, तो आप इस अटैच लेटरिन बाथ में जाल रखवा दीजिएगा। तो यहाँ पर इस बेडरूम में वेंटिलेशन होगा, इस बेडरूम में भी वेंटिलेशन होगा, हवा धूप वगैरह आपका प्रॉपर पहुँचता रहेगा। तो ये पूरा 26x36 में हाउस मैंने क्रिएट किया। 3 बेडरूम, किचन लेटरिन बाथ, छोटा सा आंगन, बारंदा और फ्रंट एलिवेशन आपका बेहतरीन, साथ साथ स्टेयर्स जो कि बाहर से दी हुई हैं। अब अगला फ्लोर बताने से पहले, अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अपडेटेड वीडियो देता रहता हूँ। तो आप जब भी हमारा चैनल या वीडियो देखते हैं तो रेड कलर का एक बटन आता है नीचे, उसमें सब्सक्राइब लिखा रहता है, तो उस पर आप क्लिक कर दें, घंटे वाले निशान पर भी क्लिक कर दें। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं वीडियो लाऊंगा तो आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं और अपने घर का एक आइडिया ले सकते हैं। ये दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो चलो फिर से हम रिटर्न होते हैं अपने मॉडल पर। तो ये ग्राउंड फ्लोर का डिस्कशन हो गया, आपने देख लिया प्रॉपर तरीके से। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, देखिए चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री और ये रेलिंग। लेकिन अब देखिए कि जो किचन एरिया था और जो स्टेयर्स वाला एरिया था, अगर आप इसके ऊपर भी बनवाते हैं, सपोज दैट बेडरूम में, तो आप जैसा सेम टू सेम नीचे बना वैसा बनवा लें। लेकिन जब लास्ट फ्लोर आप बनवाएंगे उसमें किचन और स्टेयर्स को मैंने कंबाइंड कर दिया है। एक देखिएगा किचन और स्टेयर्स की जो गुमटी टाइप के से बोल सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आपका जो स्टेयर्स था उसको भी कवर्ड कर दिया, इसलिए मैंने विंडो भी दिया। तो एक बेडरूम टाइप का आपका निकल आएगा, हालांकि आपकी थोड़ी जगह कट होगी यहाँ पर। तो लास्ट फ्लोर में इसीलिए मैंने ऐसा क्रिएट किया है, ये लास्ट फ्लोर का डिजाइन है, मैंने फर्स्ट फ्लोर नहीं क्रिएट किया है। अब बात करते हैं इसके छत की। देखिए ऊपर से छत हो गई, ये पूरा प्रॉपर 26x36 फीट मॉडल बनकर रेडी हो जाता है। मॉडल कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।